अमित शाह संबोधन कर रहा है, सांभिए। पश्चिमी मध्य क्षेत्र के हैं, उनके सभी मुख्यमंत्रीगण, अधिकारीगण, इस सबको कहना चाहता हूं मित्रों कि अभी हमारे देश में नार्कोटिक्स के खिलाफ जो लड़ाई है एक नाजुक मोड़ पर है, एक महत्वपूर्ण मकाम पर है। अगर यहां पर हम एक साथ मिलकर एक ही रणनीति के आधार पर लड़ते हैं तो हम जीतते हैं, और अगर यहां बिखराव के साथ गंभीरता के बगैर इसको एक सामान्य अपराध मानकर हमारा अप्रोच रहता है तो ड्रग के ऑपरेटर जीतते हैं। और मुझे लगता है कि इस नाजुक मोड़ पर हमने संकल्प करना चाहिए कि मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में जो ड्रग मुक्त भारत का हमें लक्ष्य दिया है, एक संकल्प दिया है, वो संकल्प हम सब सिद्ध करें। और मैं मानता हूं कि सभागार में और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए सभी लोग इस बात पर सहमत होंगे कि नार्कोटिक्स के दीमक को पूर्णतया भारत की भूमि से निस्तारित करना होगा, भारत की भूमि को इस दीमक से मुक्त करना होगा। मित्रों, बहुत अच्छे परिणाम हमें 3 साल से मिले हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जब मनाने की शुरुआत तब एक संकल्प गृह विभाग ने लिया था कि 75 दिन में हम 75,000 किलो से ज्यादा नार्कोटिक्स को जलाकर, कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जलाकर एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मगर आज मुझे आनंद है कि यहां पर जलाए हुए ड्रग का टोटल कर दे तो लगभग यहां पर 1,50,000 करोड़ से ज्यादा, 1,50,000 केजी से ज्यादा ड्रग से जलाने का काम हम समाप्त कर चुके हैं और समय से पहले बहुत बड़ी उपलब्धि है। कानून की अड़चनों को भी अगर तंत्र एक मूड के साथ लेता है तो सारी अड़चनें अपने आप पार हो जाती है। 1,65,000 की जो केजी ड्रग जलाना कोर्ट के सारे ऑर्डरों को प्राप्त करने के बाद मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने आप में दिया है। मित्रों, ये लड़ाई को लड़ने के लिए राज्य सरकार,